हजारीबाग में धर्मांतरण का एक बड़ा खेल चल रहा है। हजारीबाग के महेंद्र कॉलोनी में बीमारी ठीक करने और पैसे का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने 6 एजेंटों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा थाना बात ये है सर कि मुझे एक महिला के द्वारा बुलाया गया सुबह 7 बजे कि चलो तुमको कोई दिक्कत है, मुझे परेशानी होती थी, इन्फेक्शन वगैरह कुछ माथा में दर्द था, तो बोले कि चलो ये सब सब ठीक हो जाता है, एक जगह लेके जाऊंगी। तो वो लेके गई, वहाँ पे गए तो वहाँ पे मुझे बैठाया गया और कुछ कुछ से झाड़ फूँक किया गया, बोला ये सबसे ठीक हो जाता है। उसके बाद अचानक बोला गया कि सो ये ईसाई धर्म का मिशनरी है तो इसमें धर्मांतरण कीजिए, इसमें आपको 15,000 रुपये मौखिक रूप से सैलरी दिया जाएगा और प्रति 2 व्यक्ति को मंथली में कन्वर्ट कराने पे, ईसाई धर्म पे लाने पे उसका 10,000 रुपये अलग से कमीशन दिया जाएगा। तो इसका विरोध करने पे कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष द्वारा मुझे पकड़ लिया गया और मारने पीटने की घटना। तो हजारीबाग से सहयोगी सुबोध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुबोध, देखिए हजारीबाग से खबर आई है धर्मांतरण की, जहां पर कहा जा रहा है कि बीमारी ठीक करने की बात कही जा रही है, वहीं साथ ही पैसे का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। और देखिए दरअसल पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, जहां पर हजारीबाग शहर के मंडल खुर्द में एक स्थित महेंद्र कॉलोनी है, जहां पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। आज रविवार के लगभग सुबह 9:30 बजे के आसपास ईसाई धर्म के कुछ एजेंट, जो धर्म प्रचारक कहे जाते हैं, वह अचानक से महेंद्र कॉलोनी में आ धमके और एक सत्संग के नाम पर सभी लोगों को एक घर में इकट्ठा किया, जहां पर इकट्ठा करने के बाद प्रार्थना सभा की गई और प्रार्थना सभा के बाद सत्संग में उस कार्यक्रम को तब्दील किया गया और झाड़ फूक करने की कवायद शुरू कर दी गई। इस दौरान काफी लोगों को महेंद्र कॉलोनी में इकट्ठा किया गया और कहा गया कि आपको इस झाड़ फूक से सभी तरह के बीमारी जो है वह ठीक हो जाएगा। जैसे ही झाड़ फूक का क्रियाक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद तुरंत धर्मांतरण की बात करने लगे। जो 6 एजेंट 8 एजेंट जो आए हुए थे, महिला पुरुष ईसाई धर्म के, वह धर्मांतरण की बात करने लगे और कहने लगे कि एक व्यक्ति को धर्मांतरण कराने के बाद उन्हें 10,000 रुपया दिया जाए, 15,000 रुपया दिया जाएगा, जबकि महीने में 2 लोगों को धर्मांतरण कराने पर 10-10 हजार रुपए कमीशन के तौर पर दिया जाएगा, ऐसा ग्रामीणों ने कहा है। और लगातार उनका विरोध, जो ईसाई एजेंट आए हुए थे उनका विरोध करने के बाद काफी हो हल्ला भी महेंद्र कॉलोनी में हुआ। या घंटों तक ड्रामा चलने के बाद स्थानीय कोर्रा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कोर्रा पुलिस ने संजीदगी दिखाते हुए सभी एजेंट को तत्काल वहां से अपने हिरासत में लेकर थाना ले आई है, जिसके बाद आवेदन लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और प्राथमिकी दर्ज करने की कवायद की जा रही थी। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध।